I am Dr. Suresh Raka, practicing in a rural area like Sanawat since last 30 years. Diabetic forum से जुड़ना और diabetic awareness program से जुड़ना एक बहुत अच्छी बात है. Rural practice में we face lot of good problems. बहुत सारे constraint रहते हैं. Financial constraint है, awareness नहीं है. इन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और काफ़ी काम करना पड़ता है. डायबिटिक इंडिया इस फोरम से जब हम यहाँ से सीख के जाते हैं और वी लर्न सो मेनी गुड थिंग्स, तो इट इन्हांसेज अवर एफिकेसी एंड वी कैन नाइसली प्रोपोगेट अवर आइडियाज हाउ टू ट्रीट बेस्ट इवन इन रूरल पॉपुलेशन. सो वी एनर्जाइज विद दिस समिट एंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स वी लर्न. इंटरेस्ट ग्रुप जो फॉर्म हुए हैं उनसे बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है और इसको प्रोपोगेट करना चाहिए. और प्राइमरीली अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए ऊपर से नीचे तक एक बहुत ज़बरदस्त एक टीम तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत जो है वो एक हब होता जा रहा है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए. और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारे खान पान, रहन सहन और तनाव का लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि डायबिटिक बर्डन आने वाले समय में और कितना हो जाएगा. तो इन सब चीज़ों पे बहुत काम करना है. और अभी तो देखें, यंग डेथ होती है, यंग पॉपुलेशन में डायबिटिक डिसलिपिडीमिया बहुत कॉमन है. सभी लोगों के HbA1c कराते हैं तो पता चलता है बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं और दे आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. तो इन सब परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा एक मिशन यदि हम लेके चलें और हमारे सीनियर्स और हमारे एमिनेंट डायबिटोलॉजिस्ट इसमें मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से हम डायबिटिक का जो एक धब्बा लगा हुआ है उससे हम निजात पाएंगे और स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत के मिशन पर हम आगे बढ़ते रहेंगे. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस तरह की मीटिंग्स के लिए मैं पुनः साधुवाद देना चाहूँगा.